नमस्कार दोस्तों, एसएमके एजुकेशन चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ जीके के प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। ये आपको हर तरह के एग्जाम में ये काफी उपयोगी है और आप लोग इसको आराम से याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किए जा सकते हैं? संविधान जो संशोधन है वो कितने प्रकार से किए जा सकते हैं? तो वो पांच प्रकार से किए जा सकते हैं। पांच प्रकार से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? संविधान सभा के लिए जब जो चुनाव हुआ वो कब निश्चित हुआ? तो वो जो निश्चित हुआ जुलाई 1946 में। कब हुआ? जुलाई 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में जो कुल है 24 उच्च न्यायालय है, 24 उच्च न्यायालय है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को जो है किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने के पहले। संसद का जब सत्र शुरू होगा उसके पहले शुरू होने पर लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? वो थी नरगिस दत्त, सुनील दत्त की पत्नी नरगिस दत्त, या फिर संजय दत्त की मदद नरगिस दत्त। ठीक है, आगे देखिए, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? कोई भी क्षेत्र अनुसूचित जाति है कि जनजाति है इसको घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये सिर्फ राष्ट्रपति को है, ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास लिए जाते हैं? राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी मामले हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं? तो वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। किसके पास? उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम जब लोकसभा हुई थी तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। तो ये आज का क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोग के हर एग्जाम में काफी उपयोगी होंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।